कल का माहौल तो बहुत खुशी का था। आज रात से ही मतलब जो है 20 पॉजिटिव जो मरीज मिला, उससे पूरा गढ़वा शहर का, गढ़वा जिला में दहशत का माहौल बना हुआ है। हम लोग बहुत पहले खुश थे, अब पूरा डरे हुए हम लोग कि एक बैग जो है 20 पॉजिटिव मिल जाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। आज जहाँ भी मतलब लाया गया ये पॉजिटिव मरीज को जांच करके अगर लाया जाता है यहाँ मरीज अति लेबर लोग को, आज ये देखने को नहीं मिलता। आज जहाँ से भी लाया जा रहा है वहाँ का प्रशासन, वहाँ का सरकार जो है ये गलत कर रहे हैं कि लेबर को जांच करके मतलब कहीं भी भेजें, जांच करके भेजें। संजय ठाकुर, कल 8 तारीख को नगर कार्य मंडल से संबंधित कोरोना का जो टेस्ट रिजल्ट आया था उसमें 20 लोगों का पॉजिटिव टेस्ट आ गया है। ये सभी लोग सूरत से एक बस के माध्यम से 5 तारीख को एंट्री किए थे और ये लोग जो है हमारे महदैया जेल परिसर में क्वारंटाइन में रह रहे थे। इनके लिए अलग से कैंप बना हुआ था, अलग से बैरिक था। तो जैसे ही कल रात को हम लोगों को इसकी सूचना प्राप्त हुई है, हम लोगों ने उस पूरे क्षेत्र को सेग्रीगेट कर दिया है, आइसोलेट कर दिया है और रात को लगभग 4 से 5 के बीच में इन लोगों को कोविड हॉस्पिटल के लिए शिफ्ट कर दिया गया। उस दौरान सिविल सर्जन साहब और अस्पताल के उपाधीक्षक महोदय तथा अन्य टीम उपस्थित रहे थे और इन लोगों को निकाल करके हम लोगों ने जो हमारा कोविड हॉस्पिटल मेराल है वहाँ भेज दिया है। शेष जो लोग बचे हुए हैं जिनका भी परिणाम नहीं आया है, उन लोगों का जो है उन लोगों को अभी आइसोलेशन में ही रखा गया है। जब तक उनका टेस्ट का परिणाम नहीं आ जाता है तब तक उनको आइसोलेशन में रखा जाएगा और अन्य लोगों से उन लोगों का संपर्क नहीं किया जाएगा। तो किसके एरिया का? ये हमारे यहाँ जो रिजल्ट आया है अनुमंडल बंशीधर नगर के मैक्सिमम लोग हैं, सभी प्रखंडों में एक दो करके हैं, एक कुछ गढ़वा अनुमंडल के भी पंचायतों के लोग हैं। आगे के क्या इतना बड़ा दिन जाएगा सर? 3 दिन तो चल रहा था।